दोस्तों क्या आपको पता है, बाघ अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है। साथ ही अपनी ताकत के दम पर ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो वहीं दूसरी ओर बफर शेर को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन बाघ के सामने शेर जंग जीत पाएगा? इस सवाल को लेकर काफी अफवाह है। तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं, अगर शेर की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशियाई शेर गिर के जंगल और गिर के मैदानी देशों में रहते हैं, जबकि विश्व की सबसे बड़ी बिल्ली यानी बाघ एशिया के मुख्य भूभाग में रहते हैं और भारत के घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एशियाई बफर शेर 190 किलोग्राम तक भारी हो सकता है, जबकि बाघ भी 325 किलोग्राम तक का हो सकता है। सिंह जहां 3 से 8 फीट जितने ऊंचे हो सकते हैं, तो वहीं बाघ की बात करें तो 2.5 से 4 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। हालांकि अगर दौड़ने की बात करें तो सिंह 40 से 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ सकता है, वहीं टाइगर 30 से 40 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। इसके अलावा बफर शेर में 60% मसल होते हैं, जबकि बाघ में 60 से 70%। ऐसे में बाघ शेर से ज्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। अब बात आती है इनके बाइट फोर्स की, तो बफर शेर के कैनाइन दांत 3 से 4 इंच के होते हैं। बाइट फोर्स 650 PSI की इंच होती है, जबकि बाघ की बात करें तो इनके 3.5 इंच के कैनाइन दांत और 1000 फोर्स पर स्क्वायर फीट इंच की बाइट फोर्स होती है। इस हिसाब से भी बाघ बफर शेर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई दोनों की शक्ति प्रदर्शन की, लेकिन सवाल अब यह भी आता है कि शेर और बाघ की जंग में जीतेगा कौन। तो दोस्तों आपको बता दें, बाघ और बफर शेर के रहने के स्थान अलग अलग होने के कारण इनका आमना सामना कम ही होता है, और दोनों की शक्ति और साइज के अनुसार हम बाघ को विजेता घोषित कर सकते हैं। लेकिन इतिहास के कुछ मामलों पर नजर डालें तो कुछ फाइट में बब्बर शेर जीतता था, तो वहीं कुछ में टाइगर। दरअसल बाघ और बब्बर शेर की प्राचीन घटना के चित्र में आमतौर पर बाघ को जीतते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा साल 1800 के अंत में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने बाघ और शेर की लड़ाई कराई थी। इस लड़ाई के लिए बब्बर शेर को अफ्रीका से मंगाया गया था, जिसका नाम एडलेस था, और वो एक बार बड़ी लायन का जबकि बाघ भारत के शिमला से लाया गया था, और अंत में दोनों के बीच भिड़ंत हुई तो बाघ ने बब्बर शेर को मार डाला। इसके बाद 2011 में तुर्की के अंकारा के चिड़ियाघर में बाघ और शेर के बीच एक बार फिर फाइट देखने को मिली, जिसमें बाघ ने बब्बर शेर को इतनी शक्ति से पंजा मारा कि बाघ इस दौरान बाघ ने शेर के गले की नस को सिर्फ एक ही पंजे में काट दिया। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जब बाघ शेर पर भारी पड़ा, मगर आपस आवास अलग अलग होने के कारण इनमें लड़ाई कम ही देखने को मिलती है। ऐसे कई पल भी आ चुके हैं जब शेर बाघ पर भारी पड़ा। दोस्तों अगर ये चैनल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।